नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 ग्रुप डी की संपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको फॉर्म भरने में और तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मिलेगा सिलेबस की जानकारी, टेस्ट की जानकारी और फिजिकल की जानकारी। दोस्तों, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2018 है दोस्तों, यह बहुत दिनों बाद आई है और दोस्तों इसकी पोस्टें भी बहुत आ चुकी हैं, जो कि है 62,907 पोस्टें। दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है 10/2/2018, यानी कि 10 फरवरी 2018 से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 12/3/2018, यानी 12 मार्च 2018 की है लास्ट डेट है। और तो एग्ज़ाम डेट की बात करें दोस्तों, एग्ज़ाम डेट फाइनल नहीं है, लेकिन यह अप्रैल या मई के समथिंग हो सकती है। दोस्तों, यह अप्रैल या मई में स्टार्ट हो सकती है, आप जब तक भी चले, लेकिन अप्रैल या मई में यह कंफर्म है कि अप्रैल या मई में परीक्षा होगी। दोस्तों, इस फीस की बात करें तो दोस्तों, इसमें फीस जनरल और ओबीसी की है 500 रुपये और फीमेल और एससी एसटी की 250 रुपये। आप फॉर्म भरने के ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये लेंगे और सभी महिलाओं के लिए, यानी सभी फीमेल्स के लिए और एससी एसटी के लिए लेंगे 250 रुपये। चलिए दोस्तों, और आगे की जानकारी, और दोस्तों आयु की बात करें तो इसमें 18 से 31 वर्ष की आयु चाहिए पड़ेगी आपकी, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 31 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह कुछ आरक्षण भी दिए रहते हैं कुछ जाति के लिए, जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 वर्ष का आरक्षण दिया गया है और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी दिया गया है 3 वर्ष का आरक्षण दिया गया है, यानी कि 31 है और 3 वर्ष और, तो यानी कि 34 वर्ष रहेगा ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के रहेगा 36 वर्ष की उम्र में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे दिव्यांग या विकलांगों के लिए 13 वर्ष का आरक्षण रहेगा और इसके बाद अनुसूचित जाति जो कि विकलांग है उनके लिए 15 वर्ष का रहेगा। तो दोस्तों, यह अलग अलग कैटेगरी में सबको जानकारी मिल गई है। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका पीडीएफ की लिंक दे दूंगा या फिर आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, और आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षा के बारे में, परीक्षा और सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, परीक्षा तो हो गया ऑनलाइन, आपको सबको ही मालूम है कि अब संपूर्ण परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगी हैं, तो यह भी परीक्षा ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। और दोस्तों, यह जो भी अपना फॉर्म भरने जाएं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें, जो कि सही हो। ईमेल आईडी आप लॉग इन करते रहते हो या चलती हो या फिर सही हो, या इसलिए आप डालें ताकि जो भी आपको सूचनाएं मिलेगी वो आपके फ़ोन या ईमेल पर, दोनों में से किसी पर भी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, इसकी बात करें तो दोस्तों, यह कुल अवधि होगी, टेस्ट की कुल अवधि होगी 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा तक यह पेपर का समय होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 100, यानी कि 100 प्रश्नों की संख्या होगी इस प्रश्न पत्र की। और दोस्तों, इसके बाद कम से कम मिनिमम मार्क्स का इसमें प्रावधान है कि पात्रता है कि आरक्षण यानी कि जनरल वालों के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिएगा, 40% मार्क्स, यानी कि 100 नंबरों में से 40 नंबर तो आपको चाहिए ही कम से कम, इससे कम में कुछ नहीं होगा, ऐसे इससे कम में क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, कम से कम 40%। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए चाहिए 30% अंक कम से कम, और अनुसूचित जाति के लिए 30% और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 30% ही नंबर चाहिए पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए। और दोस्तों, जो कि विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए केवल 2% की छूट दी जाती है, ओनली 2% की छूट और उसमें कुछ नहीं है। और दोस्तों, प्रश्न पत्र के तरीका की बात करें तो दोस्तों, यह वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि वैकल्पिक होगा, एक प्रश्न रहेगा उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो कि आपको एक सही होगा और आपको एक चुनना होगा। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे में माइनस मार्किंग रहती है 1/3 की, यानी कि आप 3 प्रश्न गलत करोगे तो
आपका एक नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद बात कहें सिलेबस की, दोस्तों गणित में सिलेबस की बात कहें तो गणित का सिलेबस है सबसे पहले संख्या फर्दी, आप अच्छे से पढ़ लें, गुणमास पढ़ लें, दशमलव के पढ़ लें, भिन्न, लघुत्तम, समावर्तन यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आएगा, दोस्तों अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत के सवाल, मेंसुरेशन, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकीय, वर्गमूल, आयु की गणना करना, कैलेंडर और घड़ी, और नल और टंकी। जो दोस्तों यह रहा इसका गणित का सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है, जिस पे नहीं बनता बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसमें दो चार चैप्टर ऐसे हैं जो जिनको यदि आप कर लोगे तो आप इसमें 100% सिलेक्शन पा लोगे। दोस्तों यह सिलेबस आप बहुत ही अच्छे से देख लें, दोबारा से देख लें, और आप इसका PDF चाहिए नोटिफिकेशन तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, जो कि रेलवे द्वारा डाला गया है नोटिफिकेशन में, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद गणित के सिलेबस बता दिया, उसके बाद सामान्य यानी कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको ये दिया हुआ है अनुरूपता, वर्णानुक्रमानुसार और संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, गणित सक्रिय संबंध दिया है यानी कि संबंध दिया, रक्त संबंध, प्रतीत द्वारा प्रस्तुत दिया है दोस्तों, आलेख द्वारा सवाल आ सक आएंगे, निर्वाचन और पर्याप्तता वाले सवाल आएंगे दोस्तों, निष्कर्ष और निर्णय लेना वाले सवाल भी आएंगे, समानताएं वाले भी आएंगे और विश्लेषणात्मक भी आएंगे दोस्तों, तर्क शक्ति आएगा, वर्णीकरण आएगा, दिशा वाले सवाल भी आएंगे और दोस्तों कथन तर्क और साधारण धारणाएँ भी आएंगी। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इसका रीजनिंग का। दोस्तों सामान्य विज्ञान, दोस्तों सामान्य इस रेलवे में विज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों, इसमें 10-20 तरह के पाठ्यक्रम के भौतिक, रासायनिक विज्ञान तथा जैव विज्ञान शामिल होंगे, क्या 10वीं स्तर के आप 9वीं या 10वीं की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप भौतिक, रासायनिक और जैव विज्ञान भी संपूर्ण आपका कवर हो जाएगा, तो आप विज्ञान बहुत ही अच्छे से पढ़ें, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों इसके बाद बात करें तो अगला है सामान्य जागरूकता में यानी सामान्य ज्ञान में रहेगा आपको सामान्य जागरूकता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद से संबंधित, संस्कृति संबंधित, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र संबंधित, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास, ज्योग्राफी, दोस्तों संपूर्ण इसमें से हर एक एक प्रश्न आते रहेंगे। दोस्तों मैं इस ग्रुप डी परीक्षा के लिए मैं क्वेश्चनों का समूह वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि हर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और दोस्तों आप हमारे हर वीडियो को देख सकेंगे जो कि मैं ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बनाने जा रहा हूं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आप वीडियो के थ्रू आपको द्वारा तक पहुंचाऊंगा और अपलोड करूंगा, दोस्तों जल्दी से जल्दी मैं उसको अपलोड करूंगा बना के, ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको पढ़ सकें और आप तैयारी कर सकें। दोस्तों यह सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया, मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस बताया, और इसके बाद बात करते हैं पेपर निकल जाने के बाद फिजिकल की। दोस्तों फिजिकल की बात करें तो फिजिकल तो आप हर परीक्षा का बहुत ही टफ होता है, इसलिए इसमें रेलवे का ज़्यादा है नहीं है, रेलवे का तो है थोड़ा सा टफ है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। दोस्तों रेलवे का है पुरुषों के लिए बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए बात करें तो 35 किलो वजन आपको उठाकर दो मिनट में एक अवसर, ओनली एक अवसर मिलेगा, 35 किलो वजन उठाकर दो मिनट में आपको 100 मीटर तक ले जाना है, यानी कि आपको 35 किलो वजन उठा के बिना नीचे रखे आपको एक ही बार में 100 मीटर तक की दूरी तय करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद 1000 मीटर की दूरी को आपको 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना पड़ेगा। दोस्तों यानी कि 1000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, वो भी कितने 4 मिनट 15 सेकंड में, आप यह आसानी से कर सकते हैं, ताकि दोस्तों यह लेकिन 35 किलो थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप आसानी से इसको भी गेन कर सकते हैं, यानी कि आसानी से इसको पा सकते हैं। दोस्तों यह दो प्रमुख फिजिकल में है पुरुषों के लिए, यह तो एक तो 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर तक चलना, और यह 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना,
और दोस्तों इसके साथ ही महिला उम्मीदवारों की बात करें तो महिला उम्मीदवारों के लिए है 20 किलो वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में ही 100 मीटर तक ले जाना है, यानी कि 20 किलो वजन उठाकर आपको एक ही बार में 100 मीटर तक की दूरी तय करना है और आपको दौड़ना भी है। इसमें दौड़ महिलाओं के लिए है 1000 मीटर की दूरी आपको महिलाओं के लिए 5 मिनट 40 सेकंड में पार करना है, दो जो कि एक ही चांस आपको मिलेगा। अब दोस्तों यह महिलाएं तो यह कर ही सकती क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और यह वजन भी इनको कम है, 20 किलो वजन है और इस लड़कों के लिए है 35 किलो वजन। दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको भी यहाँ पे बता देना जो कि बाद में इसी के बाद बड़े दस्तावेज सत्यापन और उम्मीदवारों को पेनलब्ध करना है। दोस्तों CBT के उम्मीदवार द्वारा प्रदर्शित करने के आधार पर PET की क्वालिफाई करने के अधीन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों जो टेस्ट और फिजिकल में पास हो जाएगा उसके लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यदि दो या अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी मेरिट स्थिति का निर्धारण उनकी उम्र संबंधी मापदंड में किया जाएगा, अर्थात ज़्यादा उम्र के उम्मीदवार को उच्च वरीयता दी जाएगी, ठीक है, यानी कि जो से बड़ा होगा उसके लिए पहले दिया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने और शैक्षिक एवं समुदाय प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पिछले जीवन चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी। आप यानी कि आपका मेडिकल भी होगा और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट इसमें है, उम्मीदवार कृपया ध्यान दें, रेल भर्ती बोर्ड केवल पैनलबद्ध उम्मीदवारों के नाम ही अनुशंसा करता है और उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव भी केवल संबंधी रेल प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा। दोस्तों यह आपको रही संपूर्ण जानकारी ग्रुप बी की। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब